जमीन तपी थी, आसमां भी था यही, नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय फर्स्ट मीटिंग होती है सर, उसमें फैमिली आती है मिलने के लिए, तो ठीक है सर, मतलब हम फैमिली के साथ में बहुत काफी टाइम से रह रहे होते हैं, ठीक है सर, कि मतलब एक उनसे अगर रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए हो सर, तो मतलब कुछ मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि जिनके बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो जाते हैं तो वो छह छह सात सात महीने आठ आठ महीने नहीं आते सर, मतलब जिनके साथ में ठीक है सर यूजिंग कर रहे थे जो भी कुछ कर रहे थे, पर वो फैमिली वाले मिलने आते हैं, जैसे हॉस्टल्स में होते थे सर तो फैमिली मीटिंग होती थी तो आराम से मिल मिला के वो मतलब कि हाँ कोई नहीं आगे सर्दी आ रही है, वहाँ सात दिनों की छुट्टी होगी, फिर दिवाली आ रही है, पहली प्रायरिटी हो गए और हम अब दूसरी हो गए, तो आप अपने आप सोच लो हम बाहर करके क्या आए थे कि अब उनको पता हमारी, क्योंकि हम इससे पहले कहीं गए हो किसी रिहा में नहीं गए हो या घर पे हो, तो हमारा विश्वास होता कि हम कल से छोड़ देंगे, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं, ये लास्ट पार्टी है या ये कुछ है, लेकिन हमारी कोई भी बात सच नहीं हुई आज तक, तो मैं एक से पूरा करूँ, तो जो उनके तो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था और वो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, तो अगर एक कहते हैं कि एक जब बंदा मर रहा होता है एक उंगली का सहारा ही बहुत होता है, तो उनको अगर किसी का ऐसा सहारा मिल रहा है जो शफाजार में जिस तरह लोग जानते हैं यहाँ से ठीक हो गए ही लोग जानते हैं, तो हमने इतना ज्यादा मतलब हमारे अंदर इतनी बेईमानी थी या जो मर्जी कह लो कि उनको हम पे विश्वास नहीं है तो नहीं है, वो हमने कमाया है और जो उनको मिल रहा है वो उन्होंने कमाया है, बिल्कुल सिंपल है यार, कि मतलब घरवालों को ये बोलेंगे कि ऐसा है ये है वो है, लेकिन सर जब हमारी मीटिंग होती है उस टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है सर, वहाँ कुछ बोलना ही नहीं जाता सर घरवालों के सामने, झूठ बोल रहे हो, बहुत कुछ बोल रहे हो, हमने वक्त दिया होता है, हमने आस पास अपने भाइयों को देखा होता है कि किस तरह की कॉल किस प्रॉब्लम से निकल रहा है, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार हम गलत तो हैं, लेकिन अगर आप लोग रिकवर्ड लोग देखते हो या हम लोग सब देखते हैं कि वो लोग रिकवरी में आ सकते हैं, तो एक बार मन में होता है कि कुछ टाइम और देके देख लेते हैं कि शायद हम भी आ जाएं, क्योंकि ये बात तो एक रियलिटी है, हमें से कोई भी अपने विषय से ये तो नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, वो तो एक बोला एक मतलब शुरुआत खुशी से होती है, लास्ट में मजबूरी बन जाती है, तो हर बंदे के मन में उम्मीद तो होती है, ये लोग अगर ऐसी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते, तो शायद हम लोग वो दो एक महीने में यहाँ का एटमॉस्फेयर देखते हैं, और इसके अलावा जो शुरुआत में भी लगता है कि अपने घर वालों को हम झूठ बोल देंगे यहाँ पे ऐसा होता है वहां पे ऐसा होता है, फिर अपने दिमाग में एक वो लगने लग जाता है झूठ बोले तो क्या बोले, क्योंकि ये एक रियलिटी है, जो भी यहाँ होता है वो सब कुछ हमारे घर में पता होता है, तो उसमें क्या झूठ बोलोगे या घर में क्या मैनिपुलेट करोगे, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है और आपकी कंपनी में कोई लॉस होता है, तो चाहे आप ऑफिस जाते हो या नहीं जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट में आके बैंक आप ही को पकड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल उसूल है, अगर आप किचन एचओडी हो और किचन में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप किचन में थे नहीं थे, नाइट थी या नहीं थी, पकड़ा आपको ही जाएगा,
ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो इट इज बेटर कि अपनी गलती मानो, जो अगर आप ऐसा किया तो बहुत अच्छा है। मैं भी होता, मैं यही करता कि मेरी गलती है और मैं उस चीज को लेकर थोड़ा और काम करता जो मेरी अवेयरनेस है। जो आपको नहीं पता था उसका मतलब है कि आप इतने अवेयर नहीं थे, आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। टीचर बनता टीम साथ आठ महीने बाद जब चीफ या एक्टिंग चीफ वगैरह बने होंगे तो जैसे ऐसा तो नहीं होगा कि आपने भी अपने मतलब हंसी मजाक करा होगा, सब चीज करा होगा, तो मतलब उस टाइम पे जब आप आपके सामने मतलब जब वो डीलिंग वगैरह कुछ आती होगी वैसी, तो उस समय आप किस माइंड लेवल का मतलब डीलिंग करते थे, आपको सच सच बताना मतलब क्या चलता था। आज भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जब मैं डील करता मेरा आज भी जब मैं करता हूँ तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको मैं डील नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, उसमें से एक इशू है, मैं भी बोल देता हूँ कि उसमें बड़ी एफर्ट्स होते हैं कि लोग हाथ से वो लगाते हैं, फोम लगाते हैं, मैं वो इशू डील नहीं करता क्योंकि मैं खुद हाथ से लगाता हूँ। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि जिस चीज को मतलब मैं जो नहीं करता मैं उसको डील नहीं कर सकता, मैं वाला काम नहीं करता। और जहां तक आप मजाक की बात कर रहे हो उसकी, जब तक वो चीज हेल्दी है वो चीज ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज आगे नियम खत्म करती है वो गलत है। आप किसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने जाओगे या कहीं पे भी जाओगे अगर उसके नियम से छेड़खानी करोगे तो दिक्कत है। आप इस नियम में रहकर और हंसी मजाक भी करना चाहते हो और यहाँ पे कुछ करने को मना नहीं किया जाता, सबसे बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। जब आपका चला होगा 12th में, जब आपका चला होगा तो उस टाइम पे मतलब ऐसा डर भी लगता है कि मतलब यार जाने का टाइम आ गया, क्योंकि मतलब आप उस टाइम पे क्या सोचते हो कि मतलब जैसे अब आपको बाहर जाने का टाइम आ गया था, जब आपको 12 महीने कंप्लीट हो गए थे, तब आपकी मतलब क्या सोच चलती होगी कि क्या करूंगा बाहर जाकर। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं 8-9-10 महीने का था या कुछ था, 7-8 महीने का था, जो सीनियर जाते थे तब मैं उनको एक्साइटमेंट बोलता था कि यार हमारा टाइम हो गया, वापस जाने का टाइम हो गया, तो उनके हमेशा मुझसे एक बात निकल के आती थी, यार टाइम तो हो गया लेकिन थोड़ी घबराहट हो गई, मजाक कर रहा है, एक हर बंदे को होता है सिर्फ बोली फॉर्मेलिटी कर रहा है, लेकिन एक रियलिटी है यार, यहाँ पे हम एक सेफ एनवायरमेंट में है, मतलब कि हमें इतनी आदत पड़ गई है इस तरह से रहने की, सिस्टम से रहने की, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि बाहर जाकर हम क्या करेंगे क्या, मुझे सबसे बड़ा वो है कि क्या करेंगे, क्योंकि हम इतने रिलेशंस में पानी भर के आए हैं और उसको नए सिरे से डेवलप करना वो एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जो मेरे को फील हो रहा है। आप अपने काम में भी जाना चाहते हो तो वहां पर आप इतना घर बचा के आए हो कि आप वापस आके वो कर सकते हो, तो जब बंदा बाहर जा रहा होता है ना तो मन में ये एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, बस एक थोड़ा सा खौफ वो होने लग जाता है कि मैं बाहर जाके अल्टीमेटली क्या करूंगा क्या। मेरी गलती तो नहीं थी, गलती उसकी थी, परिणाम देखो मिल गया उसको फायदा नहीं, मतलब कि हम अपने दिमाग में उसकी चीज से टेरिटरी बनाते रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करना ही बेस्ट है कि यार मैंने गलती करी थी, मेरे को परिणाम मिला और यही ट्रीटमेंट है, और उसको एक्सेप्ट करना तकलीफ नहीं होगी। एक्सेप्ट तो कर लिया, हाँ क्या दिक्कत है, एक्सेप्ट कर लिया, परिणाम ले लिया, कोई बात नहीं, जब परिणाम में रहते हैं वहां पे जाके इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है, जो गलती हमने छोटी से छोटी करी होगी ना बाहर, यहाँ की नहीं बाहर की, वो एक सारी चीजें आती थी दिमाग में, जैसे मैं खड़ा था तो सारी चीजें रियलाइज हो रही थी, वही सिखाने के लिए तो वो किया जाता है, जो लॉन्ग चेयर क्यों देते हैं, मैं लॉन्ग चेयर वो बातें कोई ना जाने कि कैसी रातें वो बरसाते करो।